हाय, कोको शनेल का नाम सुना है? हाँ, वही शनेल नंबर 5 परफ्यूम वाली आंटी। कोको शनेल फैशन की दुनिया के लेजेंडरी नामों में से एक है। कोको शनेल को 20वीं सदी के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक माना गया है। उन्होंने अकेले ही एक पूरे जेनरेशन के कपड़े पहनने के तरीके को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। शनेल देखी जाती थी जाने माने लोगों के साथ, प्रभावशाली लोगों के साथ, यूरोप के राजा हो या बड़े बड़े डिप्लोमैट्स हो। लेकिन क्या आपको पता है कि शनेल का जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। शनेल जब बहुत छोटी थी तभी ही उनकी माँ का देहांत हो गया, जिसके बाद गरीबी के वजह से शनेल कॉन्वेंट में रहने चली गई। बड़ी हो जाने के बाद होटलों में काम करती थी। वहीं पे उनकी मुलाकात एतियन बालसान के साथ हुई, जो एक बहुत ही रईस इंसान थे। शनेल उनकी खास दोस्त बनी, रईसों के साथ रहने लगी, अमीरों के तौर तरीके सीखने लगी। कुछ समय बाद उनकी दोस्ती आर्थर एडवर्ड बॉय कैपेल के साथ हुई। जब उनकी दोस्ती बॉय कैपेल के साथ हुई, उसके बाद उन्होंने उनसे एम्बिशियस होना सीखा। कैपेल की मदद से उन्होंने अपना खुद का स्टोर शुरू किया। उसके बाद शनेल ने एक के बाद एक अलग अलग यूरोप के डिग्नेटरी से, सोशलाइट से, बड़े बड़े पदाधिकारियों से दोस्ती की। एक समय पे शनेल ब्रिटेन के रॉयल परिवार की भी बहुत खास दोस्त थी, और साथ ही साथ वो विंस्टन चर्चिल की भी खास दोस्तों में से मानी जाती थी। शनेल की पढ़ाई किसी खास कॉलेज में नहीं हुई थी, वो किसी बड़े परिवार से नहीं आती थी, लेकिन शनेल के पास एक गुण था। वो ये था अपने अवगुणों को पहचानना, अपनी कमियों को पहचानना और उनसे दोस्ती करना जिनके पास वो गुण है। शनेल के पास जब पैसे नहीं थे, उन्होंने ऐसे लोगों से दोस्ती की जो उन्हें वो सही पैसे दे सकते थे। जब उनके पास एम्बिशन नहीं था, जब उनके पास बिजनेस सेंस नहीं था, तो उन्होंने बिजनेस करने वाले लोगों से दोस्ती की। इसी तरीके से उन्होंने अलग अलग जगहों पे दोस्त बनाए। वो अपने दोस्तों की भी बहुत ज्यादा मदद करती थी, चाहे किसी को एक नए शहर में सेटल करने में मदद करना हो या किसी को एक नया बिजनेस स्थापित करने में मदद करना हो। शनेल को पता था कि किस तरीके से लोगों से दोस्ती करते हैं, दोस्ती निभाते हैं। उनकी कहानी से हमें ये पता लगता है कि सक्सेसफुल होने में दो चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहला, बेझिझक अपनी कमियों को पहचानना, और दूसरा, उन लोगों से दोस्ती करना जिनके पास वो कमी नहीं है। ये जानना कि हमें किन गुणों की जरूरत है, फिर उन लोगों से दोस्ती करना जिनके पास वो गुण ऑलरेडी है। आशा करते हैं ये प्यारा सा उदाहरण आपको पसंद आया होगा और आप याद रखेंगे द शनेल वे ऑफ सक्सेस।